जम्मू कश्मीर के पूंछ जिले में गुरुवार को हथियारों से लैस आतंकवादियों द्वारा सेना के दो वाहनों पर घात लगाकर किए गए हमले में 5 सैनिक शहीद हो गए हैं और 2 अन्य घायल हो गए हैं। इस हमले को लेकर अधिकारियों ने बताया कि शहीद हुए 2 सैनिकों के शव छत्र विछत्र थे। वहीं अधिकारियों ने बताया कि सैन्य कर्मियों को एक घेराबंदी और तलाशी अभियान के स्थल पर ले जा रहे वाहनों पर सुरनकोट थाना के अंतर्गत आने वाले ढेरा की गली और बुफलियाज के बीच धतियार मोड़ पर अपराहन करीब 4:45 बजे हमला किया गया। जम्मू कश्मीर के 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों गुलाम नबी आज़ाद और महबूबा मुफ्ती ने हमले की कड़ी निंदा की है। पाकिस्तान स्थित लश्कर ए तैयबा की शाखा पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट ने घात लगाकर किए गए इस हमले की जिम्मेदारी ली है। जम्मू में रक्षा विभाग के जनसंपर्क अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल सुनील बर्तवाल ने बताया कि आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में पुख्ता खुफिया जानकारी के आधार पर पूंछ जिले के ढेरा की गली इलाके में बुधवार रात एक संयुक्त तलाशी अभियान चलाया गया। अधिकारियों ने बताया कि ये जवान घटनास्थल की ओर बढ़ रहे थे, तभी आतंकवादियों ने 2 वाहनों, 1 ट्रक और 1 जिप्सी पर गोलीबारी कर दी। रक्षा प्रवक्ता ने बताया कि बलों ने हमले का त्वरित जवाब दिया। अधिकारियों ने बताया कि यह जारी अभियान में 5 सैनिक शहीद हो गए और 2 अन्य घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्होंने बताया कि अभियान जारी है और विस्तृत जानकारी का इंतजार किया जा रहा है। घटनास्थल की व्यथित करने वाली तस्वीरों और वीडियो में सड़क पर पड़ा खून, सैनिकों के टूटे हुए हेलमेट और सेना के 2 वाहनों के टूटे हुए शीशे दिखाई दे रहे हैं। अधिकारियों ने भीषण टकराव के दौरान सैनिकों और आतंकवादियों के बीच आमने सामने की लड़ाई होने की संभावना से इनकार नहीं किया। अधिकारियों ने कहा कि ऐसी संभावना है कि जिन सैनिकों पर हमला किया गया आतंकवादी उनके हथियार लेकर चले गए। अभियान जारी रहने के दौरान अधिकारी अधिक जानकारी इकट्ठा करने और क्षेत्र में आतंकवादियों द्वारा उत्पन्न खतरे को समाप्त करने की पुरजोर कोशिश में जुटे हुए हैं। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।